औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ की पंजाब सीमा पर स्थित ढेरोवाल गांव के पास सरकारी जमीन पर अवैध खनन जोर पर है और ये खनन माफिया रात के अंधेरे में इस अवैध खनन की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया द्वारा फॉरेस्ट की जमीन पर रात के समय में बड़ी बड़ी मशीन लगाकर 20-20 फीट गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और इसमें दर्जनों की तादाद में फॉरेस्ट विभाग के पेड़ भी उखाड़ दिए जाते हैं। हिम परिवेश संस्थान के सदस्य गुरदयाल सिंह दयाली और बाबा हरदीप सिंह और अन्य सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही इस खनन माफिया पर पूर्ण तौर पर नकेल नहीं कसा जाता है तो आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। मैं गुरदयाल सिंह हिम प्रवेश से, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे को पता लगा था कि यहाँ दिन में रात को खनन हो रहा है, जैसे मतलब यहाँ से माल उठाते हैं और पंजाब के क्रेशर यहाँ जो जिनकी परमिशन भी नहीं है बंद है वो फिर भी चल रहे हैं, वो दो नंबर में यहाँ से माल जा रहा है और चल रहे हैं। ये कुछ लोकल बाहर के भी हैं, लोकल भी हैं, सब चल रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। और यहाँ जो माइनिंग अफसर है वो डग यहीं बैठा रहता है सारा दिन, पूरी दिन यहाँ रहता है और इसके रोड के साथ से माइनिंग हो रही है उसको पता नहीं लगता, यहीं से निकलता है, यहीं से आता है और यहीं बैठा रहता है डग उसमें, और वो अपना मतलब कुछ देखता ही नहीं, उसको अपना ही मतलब है बस, उसका कोई लेना देना नहीं ना कुछ वो देखता है। ये फॉरेस्ट लैंड है, ये होंडा को काटी थी, होंडा वालों को भी जब फॉरेस्ट ने इनकार कर दिया था कि उनको नहीं देंगे, तो ये खनन कैसे हो रहा है? यहाँ से जो पेड़ कटे हुए देखो, टाली के पेड़ कटे हुए हैं, ऐसे पड़े हैं ये, मतलब इनको कोई देख ही नहीं रहा, इसका मतलब तो ये अभी यहाँ कोई है ही नहीं है, मतलब SDM भी नहीं देख रहा इसको, SDM का भी कोई मतलब ही नहीं है, SDM को भी क्या हो रहा है क्या नहीं, जबकि वो यहाँ से चेकिंग पे आता है, डाक कंट्रोलर को तो जाते हैं, पुलिस चौकी यहाँ बनी है, यहाँ कम से कम 10 बंदे हैं पुलिस चौकी के, वो क्या देखते हैं पुलिस वाले यहाँ, मतलब ये दिन रात चल रहा है, यहाँ मिली वक्त ही है, जब कोई कर ही नहीं रहा तो मिली वक्त है, इतने इतने बड़े खड्डे देखो आप, कितने 20-20 फुट खड्डे, 30-30 फुट खड्डे लंबे हैं, यहाँ JCB लगा के रात को काम हो रहा है, तो मतलब यहाँ कोई मिली वक्त से कर रहे हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। बोलते हैं भी इसका इस पर सरकार कार्रवाई करे, इसको देखे भी क्या हो रहा है, हमारे तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, जो यहाँ पड़ोस में लोग हैं उनको तो पानी की दिक्कत आ जाएगी, वो कहाँ जाएंगे, पानी पहले बारिशें नहीं हो रही हैं। हिम प्रवेश संस्था हिमाचल प्रदेश जो नालागढ़ की हमारी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संस्था है उसकी तरफ से हम लोग यहाँ पे आए थे, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें से ये जो माइनिंग की सामग्री निकाली जा रही है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे मारे गए हैं और यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी क्रैशों की आवाज़ भी आ रही है, यहाँ पे साथ में क्रैशर हैं और ये काफ़ी आप देख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट के जो प्लांट्स थे मेरे ख्याल से वो भी इन्होंने गैप कर दी यहाँ से, अब इस टाइम तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये रात को हो रहा है खनन। उद्योग मंत्री जी आए थे तो, लेकिन वो मेरे ख्याल मेडिकल डिवाइस पार्क की तरफ गए थे, लेकिन हमारा तो कांग्रेस सरकार से ये अनुरोध है कि दिन प्रतिदिन जो हमारी नदियों में नालागढ़ के पूरे एरिया में जो इलीगल माइनिंग इतनी ज़ोर से स्पीड से चल रही है इसके ऊपर ध्यान दे ताकि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। अब इस बार बारिश भी प्रॉपर नहीं पड़ रही है जिसकी वजह से सारे कुएं सूख गए हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम हमारे लोगों को आ रही है, तो इस तरह से तो ये तो बहुत दिन दिहाड़े बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।